एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश पहुंची अनु चौधरी का कंकरखेड़ा स्थित पायल फर्नीचर हाउस पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान संयुक्त व्यापार संघ उपाध्यक्ष नीरज मित्तल ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर और पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। भाजपा नेता पार्षद राजेश खन्ना, पंकज चौधरी, गणेश अग्रवाल, पंडित संजय त्रिपाठी, ठाकुर ओपी सिंह सहित सैकड़ों लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर खिलाड़ी का स्वागत किया। इस दौरान अन्नू रानी ने कहा, क्योंकि नजर ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने की है, वह उसी के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। सभी स्वागत करने वालों का खिलाड़ी अन्नू रानी ने आभार व्यक्त किया। मैं गांव में थी तो गांव वाले सब लड़कियों को खेला इतना अच्छा नहीं समझते, लेकिन मैं जैसे ही मैं सुबह सुबह ग्राउंड और प्रैक्टिस करने में जाती थी तो दिन निकलने से पहले मैं घर में आया ताकि गांव वाले मतलब ना हो। बहुत स्ट्रगल रहा है, ये यकीन स्ट्रगल करके ही इंसान मजबूत बनता है। तो आज मैंने स्वर्ण पदक लिया है, मेरे देश को और आप सभी को समर्पित सरकार का सहयोग मिल रहा है। जी सरकार का बहुत सहयोग है, उसके कारण ही अभी इंडिया ने मतलब हिस्ट्रिकल मेडल लिए है। जी अगले साल ओलंपिक है और लड़कियों को मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि अभी तो थोड़ी सी सुविधाएं इम्प्रूव हुई है, लेकिन जिस जब मैंने किया था तो सुविधाएं नहीं थी। तो यही है, अगर आपको कुछ करना है तो लड़ना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप हार मत मानिए, जब आप मेहनत शुरू करते हैं तो भगवान भी आपके जो रास्ते हैं वो स्टेप बाई स्टेप खुलते चले जाते हैं। तो कभी हार मत मानिए और हमेशा कंटिन्यू मेहनत कर सकते हैं। आगे का इतना बड़ा मेडल लिया तो आगे यही सपना है, ओलंपिक होने वाला क्या कहेंगे भैया, आज आपने स्वागत किया है, बेटियों ने नाम रोशन किया है मेरा। हमारे मेरठ का नाम अन्नू रानी ने रोशन किया है पूरे विश्व में, उसके लिए आज अन्नू रानी का प्रथम आगमन मेरठ में था तो हमने अपने प्रतिष्ठान पायल फर्नीचर पर अन्नू रानी जी का स्वागत किया है। यहाँ बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में क्षेत्र की जनता उपस्थित थी। हमारे सभी साथियों ने जिसमें मुख्य रूप से पंडित संजय त्रिपाठी जी, राजेश खन्ना जी, लवली भारद्वाज जी, गणेश अग्रवाल जी उपस्थित रहे, सभी ने माल्यार्पण करके स्वागत किया उनका और फूलों की मालाओं से स्वागत किया और जो नोटों की माला था उनसे स्वागत किया। फिर उसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से चांदी के मुकुट से उनका स्वागत किया है। और हम यही इस वर्ष कहना चाहते हैं इसके उपलक्ष्य में कि ओलंपिक में भी ऐसी भारत का नाम रोशन करें, या जो सैकड़ा हमने एशियन में जमाया है वो ओलंपिक में भी ऐसा सैकड़ा हो, ऐसी हम भारत की बेटियों से और जो भी अपने खिलाड़ी हैं एथलीट खिलाड़ी हैं उनसे यही है कि अच्छे से अच्छा प्रदर्शन अपना करें।